साहिबगंज जिले के बोरियो थाना क्षेत्र से अपहृत अनाज व्यवसायी अरुण कुमार साह को खोजने गई पुलिस टीम पर बरहेट के डूंगू बथान में हमला कर दो पुलिस पदाधिकारी को घायल कर दिया। इस मामले में नामजद आरोपित रामदास सुरेन को पुलिस ने गुरुवार को डूंगू थान से गिरफ्तार कर लिया। उसे पूछताछ के बाद गुरुवार को ही जेल भेज दिया गया। एसपी अनुरंजन क्रिस्पोटा ने पत्रकारों को बताया कि पूछताछ के क्रम में पुलिस पर हमला करने तथा अरुण कुमार साह के अपहरण व हत्या में उसने अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। वही एसपी ने बताया कि बोरियो में अरुण साह की गिरफ्तारी के छापामारी के क्रम में जब अपराधियों तक पहुंचने के क्रम में पुलिस पार्टी थी और उस दौरान जो घटना घटी उसके नामजद मुदालय रामदास सोरेन को गिरफ्तार किया गया है। इन्होंने इस घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। कुछ इसके पहले हम लोगों ने श्रीचांद सोरेन को भी गिरफ्तार किया है। शेष दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास चल रहे हैं। इन्होंने अपनी संलिप्तता नेशनल लिबरेशन संथाल आर्मी से बताई है। ये उस संगठन के सदस्य हैं। विगत कुछ दिनों में ये संगठन के सदस्य आपराधिक घटनाओं में शामिल रहे हैं और इनके शेष सदस्यों को गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास जारी है। एसपी पीके मित्रा ऑफिसर इंचार्ज बरहेट और रांगा थाना ऑफिसर इंचार्ज और इनकी टीम का अहम योगदान। इन दोनों गिरफ्तारियों में लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह एसआईटी बनाया जा चुका है। शेष अभियुक्तों को भी जल्द पकड़ा जाएगा।